हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशु। अंशु किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी और चना दाल की सब्जी। लौकी और चना दाल की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो लौकी लिया है, जो कि इस तरह से काटा है, और 1.5 कप चना दाल लिए हैं, जो कि 1 घंटा पहले पानी में डुबा के रखा है। यहाँ पे 1 प्याज बारीक कटा हुआ लेंगे, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 3 चम्मच धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ लेंगे। अब हम लेंगे 3 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच पंचफोरन, 3 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च जो कि इस तरह से काट के रखा है, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। इसके लिए हम गैस को ऑन करेंगे, उसमें हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई अब गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे 3 चम्मच तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो आप अपने पसंद का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे तेज पत्ता डालेंगे, फिर हम यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे, अब हम इसमें 5 फोड़न डालेंगे। 5 फोड़न को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। 5 फोड़न अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब इसे हम चला दें और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनेंगे। अब 1 मिनट हो चुका है और हमारा प्याज भी अच्छा से भून चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसे हम अच्छा से एक बार मिला देंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे। अब 1 मिनट हो चुका है, अब इसे हम एक बार मिला देंगे और ये देखिए हमारा प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा से पक चुका है। अब हम इसमें चना दाल को डालेंगे। अब इसे हम एक बार मिला देंगे। और इसे हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अब 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें लौकी डालेंगे। अब इसे हम एक बार मिला देंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे हम अच्छा से एक बार मिला देंगे। अब इसे हम 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। अब 10 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन को हटाएंगे। अब इसे हम एक बार अच्छा से मिला देंगे और ये देखिए हमारा सब्जी अब 50% पक चुका है। इसे हम ढक के और 10 मिनट तक पकाएंगे। अब 10 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन को हटाएंगे। अब इसे हम एक बार मिला देंगे और ये देखिए हमारा सब्जी अब अच्छा से पक चुका है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, ताकि ये जो लौकी से निकला हुआ पानी सूख जाए। अब 3 मिनट हो चुका है और ये देखिए पानी भी काफी घट चुका है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर लगाएंगे।
अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर लगाएंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर लगाएंगे। अब हम इसमें जीरा पाउडर लगाएंगे। अब इसे हम अच्छे से एक बार मिला देंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। अब इसे हम 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब 5 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन को हटाएंगे। अब ये देखिए हमारा सब्जी अब अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से एक बार मिला देंगे। और इसे हम ढक के 2 मिनट तक पकाएंगे। अब 3 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन को हटाएंगे। अब इसे हम अच्छे से एक बार मिला देंगे। और ये देखिए हमारा टमाटर भी अच्छे से पक चुका है। अब हमारा सब्जी पक चुका है, अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ढक्कन लगा के 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ें। अब 1 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन को हटाते हैं। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए हमारा लौकी और चना दाल का सब्जी बनके तैयार हो चुका है। चलिए अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। इसे सर्व करने के लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चना दाल और लौकी की सब्जी बनाना है ना आसान? इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। इस सब्जी को आप रोटी, पूड़ी या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।